नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गोविंदा 80 और 90 के दशक के वो एक्टर जिन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था, उन्हें आज भी बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक कहा जाता है। उन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी फिल्मों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। डांस से लेकर कॉमेडी तक कोई भी इमोशन क्यों ना हो, उन्हें इसमें महारत हासिल थी। इमोशंस के बादशाह गोविंदा की तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि अब वो कई सालों से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन टीवी रियलिटी शोज और फिल्मी इवेंट्स में गोविंदा अक्सर शिरकत करते नजर आते हैं। हाल ही में गोविंदा रमेश दरानी की दिवाली पार्टी में विद फैमिली स्पॉट किए गए थे। वहीं एक्टर ने अब इस दिवाली पार्टी से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी दो पत्नियां हैं। जी हाँ, गोविंदा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। गोविंदा हाल ही में रमेश दौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे थे। इस पार्टी में डेविड धवन ने भी शिरकत की थी। ऐसे में गोविंदा और डेविड यहाँ गर्मजोशी से मिले और एक साथ खूब तस्वीरें भी क्लिक कराई। इसी के साथ इस जोड़ी ने एक दूसरे से तकरार की तमाम अफवाहों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। वहीं अब गोविंदा ने इस पार्टी से डेविड के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके साथ ही उन्होंने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है। दरअसल गोविंदा ने डेविड के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 80 और 90 के दशक में मेरी दो बीवियां थी, एक सुनीता और एक डेविड। गोविंदा की ये मजाकिया पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। डेविड के बेटे वरुण धवन और सिद्धांत चतुर्वेदी समेत कई सेलेब्स ने गोविंदा और डेविड की तस्वीर पर प्यार बरसाया है। वहीं कई फैंस ने इच्छा जाहिर की कि वो डेविड और गोविंदा के बीच एक बार फिर से कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं। वहीं गोविंदा ने उसी दिवाली पार्टी में अपनी पत्नी सुनीता के साथ भी अपनी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए गोविंदा ने लिखा कि उनकी पत्नी ने उन्हें अच्छी कपल फोटो के लिए ब्लैक में ट्विनिंग करने के लिए इंस्पायर किया। बता दें कि गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनमें कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, शोला और शबनम, राजा बाबू, आंखें और पार्टनर जैसी आइकॉनिक फिल्में शामिल हैं। इस जोड़ी ने एक साथ 17 फिल्में की हैं, लेकिन दोनों के बीच फिर अनबन की खबरें भी सामने आने लगी थी। दरअसल गोविंदा ने एक इंटरव्यू में हिंट देते हुए कहा था कि वरुण धवन भी अपने पिता के साथ 17 फिल्में नहीं करेंगे। बताया जाता है कि गोविंदा और डेविड के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब डेविड धवन ने ऋषि कपूर के साथ चश्मे बद्दूर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। हालांकि गोविंदा ने उन्हें ये आइडिया दिया था, इसलिए उन्हें खराब लगा था। खैर, आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।